हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4 हैज द वैल्यू। फोर ऑप्शंस आर गिवन, चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल गिवन है। अगर हम यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, ये हमारा कितना जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x प्लस 0 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और 9 का डेरिवेटिव 0, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली जो हमारा एफ डैश एक्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा हमारा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल। नाउ वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला होता है, दैट इज ई क्या होता है, एफ डैश 4 का फॉर्मूला है हमारा। तो एफ डैश 4 कितना जाएगा, 4 अपॉन में एफ डैश ऐसा मैंने फाइंड आउट किया वो कितना, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आ जाएगा, दैट इज 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 25, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 के इक्वल। तो फाइनल आंसर कितना है, 4 अपॉन 5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।